नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज शिवपुरी नगर पालिका सहित 6 नगर परिषद मगरोनी करेरा पिछौर कुलारस पोहरी सहित बैराड में होनी है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों में कई दिग्गज नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। शिवपुरी नगर पालिका के 39 वार्डो में कैबिनेट मंत्री व शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव प्रचार की कमान थामी। इसके बाद शिवपुरी नगर पालिका के 39 वार्डो में कई वार्डो में भाजपा प्रत्याशियों को जीत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है। इसका मुख्य कारण भाजपा से कटकर निर्दलीय उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव को लड़ना माना जा रहा है। नगर पालिका शिवपुरी की वार्ड क्रमांक 3 और वार्ड क्रमांक 26 को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो नीतू भानु दुबे और सरोज रामजी व्यास अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, जो जीत के बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। पोहरी और बैराड नगर परिषद में प्रचार प्रसार का मोर्चा पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने संभाला था। परी और बैराड की बात करें तो यहां भाजपा के कदका प्रत्याशी को छोड़कर लगभग सभी वार्डो से भाजपा प्रत्याशी विजय होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बैराड और पोहरी नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा का अध्यक्ष आसीन होने की प्रबल संभावना है। पिछौर नगर परिषद में भी 6 बार से लगातार कांग्रेस विधायक रहे केपी सिंह काजू की साख दांव पर मानी जा रही है। तो वहीं भाजपा ने भी पिछौर में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए भरसक प्रयास किए थे। बहरहाल परिणाम किस ओर जाएंगे ये स्पष्ट आज हो जाएगा। करेरा नगर परिषद में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व पूर्व विधायक जसवंत जाटव ने भाजपा के प्रचार प्रसार की कमान थाम रखी थी। हालांकि करेरा से कांग्रेस विधायक ने करेरा नगर परिषद में कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार भी किया था। शहर में मोबाइल भी चला रहे हैं ताकि कोई भी बात आती है तो उसको दर्शा दे सकते हैं। हमें उम्मीद है बहुत अच्छे से शांति को बाहर की क्या बाहर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ क्या सब नहीं है। देखिए बाहर यहाँ पे एक लेवल फिक्स करके रखा है कि उससे अंदर उनको नहीं आना है। उसके लिए वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल के लिए पॉइंट्स लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं और फोर्स लगा रखे हैं। उसके बाहर आदमी रह सकता है, जब घोषणा होगी तो कोशिश कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट सिस्टम से उनको लगातार अपडेट पता लगता रहता है, क्योंकि जो क्यूरोसिटी की वजह से जो खड़े हैं वो यहाँ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और यही अब एजेंट्स को भी अभ्यर्थी को भी बताया कि उनको यहाँ गणना समाप्त होने तक नहीं आना। सर बारिश का भी थोड़ा सा अलर्ट हुआ है, उसके बाद बारिश की क्या व्यवस्था? देखिए बिल्डिंग में उनकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों को बोला गया कि अपना छाता और ये रखेंगे, गाड़ियों की व्यवस्था भी है, तो वो भी रहेगा।